मेरा नाम प्रकाश है। आज हम जानेंगे कैंट ऑटो सॉफ्टनर किस प्रकार से फिट किया जाता है। इसकी पूरी प्रोसेस आपको शुरू से अंत तक देखनी है, किस प्रकार से इसको हम इंस्टॉल करेंगे, इसमें क्या क्या सामान लगेगा, उस सारी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। क्योंकि मैं जो आज जो वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको वीडियो अभी तक आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको एक भी इस प्रकार का वीडियो नहीं मिलेगा। और मैं आपको पूरी जानकारी आज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं कैंट ऑटो सॉफ्टनर 40। जी हाँ दोस्तों, तो हम इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जब ही आपको ये पूरी जानकारी मिल पाएगी तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अब हम इसका इंस्टॉलेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इसका ढक्कन को खोलना है। और ये ढक्कन खुल गया। ढक्कन खुलने के बाद में ये पूरा मैग्नीज़म जो ऑटो सॉफ्टनर का है, ये पूरा मैग्नीज़म है। और इसमें ये एक वायर लगा हुआ रहता है जो पीसीबी किट का, तो ये पीसीबी किट का वायर हमें निकालना होता है जिससे हमारा ढक्कन अलग हो जाता है। और उसके बाद में हम एक ये वाला जो कनेक्शन पाइप है, जो हमारा रिजनेशन वाला जो पाइप है, हम इसे इसको यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं और इसको बाहर करते हैं। क्योंकि इतनी प्रॉपर फिटिंग है ये, इसके साथ में ये एयर बैग आता है। और एयर बैग का काम यह है कि इस वेसल को हिलने नहीं देता, और इसे खोलने का भी सिस्टम बहुत इजी है। इस तरीके से पूरा हवा निकाल के इसे ऐसा बाहर इजी तरीके से हम इसे बाहर करते हैं। ये एफटी आती है इसके साथ में, और एफटी को इसके साथ में फिट करने के बाद में यहाँ लगाना रहता है। साथ में दो ओरिंग आती है, उस ओरिंग के साथ माध्यम से ऐसा ओरिंग आती है, ये ओरिंग ऐसा फिट कर के फिर इसको इस प्रकार से ऐसा हम लगाएंगे। और ये लॉक रहता है, ये ऐसा हम ये इसको लॉक को इस तरीके से फंसा के लॉक लगा देंगे। ये ब्राइन चैम्बर है, तो इस प्रकार से हमको इसको खोलना है। और कभी क्लीनिंग करना है, कुछ सर्विसिंग वगैरह करना है, तो इस प्रकार से हम ये निकाल कर ये इसके अंदर में ये यहाँ पे कचरा टकने का डर रहता है। अगर कचरा वचरा आता है, जैसे अगर नमक में बहुत मिट्टी वट्टी आती है, तो यहाँ पे अगर ये सक्शन नहीं करेगा तो रिजनरेशन नहीं होगा, तो हमको इस चीज़ का ख्याल ज़रूर करना है। इस प्रकार से इसकी ये पूरी फिटिंग्स होती है। इंस्टॉलेशन करते समय हमको ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटा छोटा सामान रहता है। इस प्रकार से पूरी एकदम इजी फिटिंग है दूसरे सॉफ्टनर के अपेक्षा। ऑटो सॉफ्टनर में ऑलरेडी एक बाईपास वॉल दिया हुआ रहता है, ये जब मशीन आएगी आपके यहाँ पे तो इस प्रकार से रहेगा। और जब हम मशीन इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हमको इसे ऐसा इस प्रकार से खोलना ज़रूरी होगा, या तो हम इस प्रकार का ही इसके साथ में पाना आता है, इसे इसको ऐसा लगा के साथ से भी खोल सकते हैं या हाथ से भी खोल सकते हैं। तो हमें ये जब भी हम इंस्टॉल करेंगे तो ये वाला जो वॉल है हमारा, ये सीधा रहना चाहिए, सीधा रहेगा जब ये रिजनरेशन होगा, नहीं तो यहाँ आगे पानी नहीं जाएगा। ऑटो सॉफ्टनर के अंदर में एक बहुत सही चीज़ें दिया हुआ है। हम जैसे अगर कई बार कस्टमर की कंप्लेन आती है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए कंपनी ने एक बहुत बेहतरीन सेटिंग दी है जो कि किसी भी सॉफ्टनर में नहीं है। ये एक वॉल दिया हुआ है, इस वॉल को हम ऐसा घुमाएंगे तो हम ये पानी को बाईपास मिक्सिंग करेंगे, जिससे हम पानी का हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसी सेटिंग किसी भी सॉफ्टनर में नहीं है। अगर किसी के यहाँ इस प्रकार की कंप्लेन आती है तो हम इस वॉल के माध्यम से पानी को मिक्स करके हम पानी को थोड़ा सा उसका हार्डनेस बढ़ा के उसको बेहतरीन पानी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये सब पूरी पाइपलाइन करनी है, और इनपुट आउटपुट और एक टंकी का एक रिटर्न पानी हम इस सॉफ्टनर के अंदर में इंस्टॉल करते हैं। ये पूरा हमारा सॉफ्टनर अब इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन के वक्त हमको प्रोग्राम थोड़ा रीसेट करना पड़ता है, जैसे कि टाइम हार्डनेस। तो हम सबसे पहले टाइम इसका रीसेट करेंगे। वो रीसेट करने के लिए हमको मेनू बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, जिससे वो अनलॉक हो जाएगा। अभी हम इसमें टाइम सेट कर सकते हैं, जैसा कि अभी ये अप एंड डाउन एरो है, इससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी 1:04 हुए हैं, तो मतलब 13:04।
तो अभी 13 और मिनट के लिए फिर से आपको मेनू बटन दबाना है तो नेक्स्ट पर जाएगा। तो हम इसको 4 मिनट करना है तो इसको डाउन एरो से हम 4 मिनट कर सकते हैं, जो टाइम एक्चुअल टाइम है एक्चुअल टाइम आपको इसमें डालना है, हीट करना है। ये हो गया टाइम, उसके बाद फिर से आप मेनू बटन दबा के उसको रीसेट कर सकते हैं। अपना ईयर है 2021, मंथ है जुलाई, आज की तारीख 20 है। इस सेट हार्डनेस है कंपनी से सेट होके आता है 340, लेकिन अपने को यहाँ पर चेंज कस्टमर का जो हार्डनेस है कस्टमर के यहाँ का वही अपने को यहाँ पर फिट करना है। जैसे कि यहाँ का हार्डनेस है 450, तो हम इसको 450 करेंगे। तो 450 करने के लिए हमको इसको अप एरो से उसको बढ़ाना है। ये हमने इसको 450 पर सेट कर दिया हार्डनेस, जो कि एक्चुअल कस्टमर के यहाँ का हार्डनेस है। उसके बाद फिर से मेनू बटन दबा के सेट पीपल, अगर इनके यहाँ 9 लोग हैं तो हम 9 डालेंगे इसमें, जितने लोग हैं इनके यहाँ उस हिसाब से। अगर इसके घर में 10-15 लोग हैं तो आखिरी इसका 9 ही आएगा, बट वो मशीन लीटर के हिसाब से अपना रिजर्वेशन करता है। अभी हमने सेट पीपल 9 कर दिया, फिर से इसको मेनू पर जाए तो इसमें सॉल सेटिंग आता है, एक आता है हाई एफिशिएंसी और दूसरा आता है स्टैंडर्ड। तो हम हाई एफिशिएंसी पर ना रखते हुए स्टैंडर्ड पर रखेंगे, जो कि कंपनी स्टैंडर्ड है तो हम स्टैंडर्ड पर ही रखेंगे। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आता है? हाई एफिशिएंसी में नमक कम लगता है, बट जहाँ का हार्डनेस बहुत कम है, जैसे किसी जहाँ हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी यूज करते हैं वहाँ पर हम हाई एफिशिएंसी यूज करते हैं, सेट करते हैं अभी। और जहाँ बोरवेल या कुएं का पानी हम यूज़ करते हैं वहाँ पर स्टैंडर्ड रखते हैं, क्योंकि यहाँ का हार्डनेस ज़्यादा रहता है। सिंपल है, हम ज़्यादा हार्डनेस रहेगा तो हम स्टैंडर्ड पर रखेंगे, अगर हार्डनेस कम रहेगा तो हाई एफिशिएंसी पर रखेंगे। ओके, ये करने के बाद हम फिर से मेनू पर जाएंगे। अभी वाटर सोर्स में म्यूनसिपल ऑप्शन रहता है, एक म्यूनसिपल रहता है, दूसरा रहता है वेल एंड अदर। अभी जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वाटर है हम म्यूनसिपल सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज वेल एंड वेल और अदर करेंगे। उसके बाद लोड डिफॉल्ट एक कंपनी सेटिंग रहती है, हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है टाइम सेटर फॉर रीजनरेशन प्रोसेस। तो उसके लिए हम अप एंड डाउन को एक साथ प्रेस करके रखेंगे। ये हो गया, अभी खुल गया लॉक। रीजनरेशन टाइम सेट करने के लिए हमको सेट रीजनरेशन बटन को दबाना है। अभी इसमें रेजिन वॉल्यूम जो है 42 लीटर्स है। सॉल्ट सेटिंग जो हमने स्टैंडर्ड रखी है। बैक वॉश टाइम जो है ये 5 मिनट का है, हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हार्डनेस या फिर रीजनरेशन टाइम। तो एक स्टैंडर्ड टाइम जो है इसका हम 6 रख देते हैं इसको बैक वॉश। ठीक है, उसके बाद जो आता है ब्राइन का टाइम इसमें 133 है, इतना हमको इसको कम करना है। एक स्टैंडर्ड जो है हम रखते हैं वो 35 रखते हैं, तो डाउन एरो से हम उसको 35 तक करेंगे। ये हो गया 35। उसके बाद आता है रिंस, इसमें 9 लिखा है, हम इसको स्टैंडर्ड में करेंगे। स्टैंडर्ड एक सेट है जो कि हम 8 पर कर देते हैं। ठीक है, एक फिर से हम नेक्स्ट दबाएंगे। इसका रिफिल टाइम जो है, मतलब रीजनरेशन होने के बाद मशीन ऐटोमेटिक पानी छोड़ देती है और इस अपने टंकी में, ताकि वो नेक्स्ट रीजनरेशन के लिए सॉल्यूशन बना सके। तो उसका जो टाइमिंग रखा है कंपनी ने वो 9.9 मिनट का है, लगभग 10 मिनट का। तो 10 मिनट एक सफिशेंट है, उसमें इतना सॉल्यूशन बन जाता है। ये लॉक वैल्यू अनलॉक है तो अनलॉक ही रखेंगे इसको। प्रोग्राम कंप्लीट, ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीटेड। वीडियो भी नहीं बताया तो चलेगा। हाँ, लैंग्वेज सेटिंग, इसमें जो स्टैंडर्ड है लैंग्वेज तो काफ़ी है, बट हम इंग्लिश इसको सिलेक्ट करेंगे। यूनिट्स जो है वो मैट्रिक्स में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए सारी चीज़ें कंपनी फिटेड है, कंपनी सेट है, तो हम इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। यूनिट्स जो है मैट्रिक्स में है। हार्डनेस यूनिट जो कैलकुलेट होता है एमजी पर लीटर में होता है। हाई एफिशिएंसी जो रखा है
48 ग्राम पर लीटर लिखा है, रखा है कंपनी ने। हाई एफिशिएंसी 11.4, स्टैंडर्ड कैपेसिटी 96 ग्राम पर लीटर, स्टैंडर्ड कैपेसिटी 9.4 ग्राम, आयरन एंड मिनरल्स 192 ग्राम पर लीटर। इसको कुछ भी छेड़ना नहीं हमको, ये सारी कंपनी फिट टेस्टेड है। आयरन एंड मिनरल्स, रिफिल प्रोग्राम, रिफिल फ्लो रेट, हाँ इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले दिखाया था कि 9.9 मीटर हम इसमें पानी छोड़ सकते हैं, मतलब 9 मिनट 10 मिनट तक हम इसमें पानी छोड़ सकते हैं, हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो इससे अगर हम जैसे 0.30 ग्राम पर मिनट है, गैलन पर मिनट है, तो हम डाउन एरो से अगर हम इसको कम करेंगे तो उसका टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, रिफिल टाइम कम, अगर ये कम करेंगे तो रिफिल टाइम बढ़ेगा, अगर इसको बढ़ाएंगे इसका मतलब फ्लो बढ़ा दे रहे हैं, फ्लो बढ़ा। अब ये स्टैंडर्ड है, 9.9 मीटर मतलब काफ़ी हो गए उसमें, ठीक है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद आता है ब्राइन में, एक टाइम 30 मिनट्स का रहता है, ब्राइन पर फील्स परसेंट वो 70% है, डेली रिजर्व 4 डेज लिखा है, लेकिन हमको इसको अगर ये 4 डेज रखेंगे तो हर 4 दिन बाद इसको रिजनरेशन करना है, तो उसको हम इसको ऑफ करके रखना है हमको हमेशा के लिए, या फिर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, उसको ऑफ करके रखना है। हाँ, ऑफ करना है या फिर लीटर में करना है। अच्छा, तो हम अभी लीटर में करेंगे। ओके, ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखना है कि इसको लीटर में रहेगा तो अच्छा। मतलब क्या रहेगा, वो डेली रिजनरेशन आएगा क्या? नहीं, वो डेली रिजर्व मतलब वो 4 दिन बाद, 4 दिन बाद उसका रिजनरेशन आएगा। अच्छा, तो अपने आप इसके हिसाब से मशीन से अपने जो प्रोग्राम सेट किया है उस हिसाब से करेंगे, तो उसको ना करते आप लीटर में करेंगे। अच्छा, तो 399 जो भी लीटर में हम उसको सेट करेंगे अप एंड डाउन एरो से। नेक्स्ट पर जाएंगे अपन, डे ओवर राइड डेज 7 डेज है, ठीक है, इसको भी हम इसको ऑफ करके रखेंगे, इसको डे ओवर राइड हमेशा ऑफ रखना है। क्या चीज होता है ये डे ओवर राइड? मतलब ये जैसे जैसे इसमें 7 दिन था, 4 दिन था, ये ओवर राइड मतलब ऐसे अपने आप वो बैकवॉश करता है। अच्छा, तो उसको नहीं करने देना है, क्योंकि क्या होता है कभी कई बार नमक का पानी भी उसमें चला जाता है बैकवॉश। अच्छा, के साथ में, तो अगर अच्छा, इनका यूज हो रहा है मशीन के साथ में तो और कभी अच्छा, मतलब रनिंग के बीच में वो वो बैकवॉश ले लेगा, तो इसको ऑफ ही रखना है अपने को, एक मतलब स्टैंड जो अच्छे रिजल्ट के लिए इसको हमेशा स्टैंड ऑफ रखो। उसके बाद डे ओवर राइड 99 डेज, इसको भी ऑफ रखना है। रिंस ओवर राइड ऑफ ही रहता है, ये बैकवॉश ओवर राइड 5 रिजनरेशन, इसको भी ऑफ करके रखना है। अच्छा, ठीक है, फोर्स रिजनरेशन ऑफ है, स्मार्ट क्लीन ऑन कर सकते, 10 स्मार्ट क्लीन मतलब जैसे 10 मिनट के लिए स्मार्ट क्लीन मशीन अपने आप अपने को क्लीन करती है, क्लीन करेगी, तो जैसे रिवर्स पानी जाएगा मतलब इसको, तो इसमें क्या रखा है, एक 7 दिन बाद 10 मिनट के लिए अपने आप होते रहेंगे, जैसे 7 दिन निकल जाने के बाद अपने आप 10 मिनट के लिए क्लीन करेंगी। ये ना भी किया तो हम इसको ऑफ करके रख सकते हैं। अच्छा, इसको ऑफ ही करो, क्योंकि मशीन वैसे भी रिजनरेशन प्रोसेस में अपने आप उसको क्लीन करती है। अच्छा, तो पानी वेस्टेज ना हो इसलिए हम बंद करके रखेंगे। प्रोग्राम कम्प्लीट, ये अपना हुआ पूरा प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम कम्प्लीटेड। सर अभी क्या हो रहा है ये? अभी ये बैकवॉश हो रहा है, जो हम चेक कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है नहीं। मशीन तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग ले लेती है, लेकिन अभी हम इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो हमको ये सब चीज़ें चेक करना पड़ता है कि मशीन रिजनरेशन प्रोसेस बड़ा प्रॉपरली कर रही है नहीं। तो उसमें से एक बैकवॉश जो रहता है मेन, तो प्रॉपर हो रहा नहीं, हम वो चेक करें मैनुअली, जो अपन इससे पहले देखा है बटन दबा के, तो एकदम फोर्सफुली बैकवॉश हो रहा है। ये ले थोड़ा पानी, हाँ फिर जैसे हम मैनुअल रिजनरेशन करते हैं तब हमको एक, जैसे हमने पहले बताया, जैसे हम मैनुअल रिजनरेशन करते हैं तो हमको सबसे पहले सेट रिजनरेशन बटन प्रेस करके रखना है 3 सेकंड के लिए, जो 4 स्टेप में होती है रिजनरेशन। पहला स्टेप जो होता है ब्राइन, वो 35 मिनट्स का प्रोग्राम हमने सेट किया है। उसके बाद है बैकवॉश, जो हमने 6 मिनट का बैकवॉश का टाइम रखा है। बैकवॉश होने के बाद रिंस का प्रोग्राम होता है, वो लगभग 9 मिनट का रखा है हमने। रिंस प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद रिफिल टाइमिंग जो रखा है हमने 7 मिनट का रखा है, जो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें हो रहा है। रिफिल टाइम में ये होता है, जैसे रिजनरेशन होने के बाद मशीन
अपने आप टंकी में अपने ब्राइन टैंक में पानी छोड़ देती है ताकि नेक्स्ट रिजनरेशन के लिए उसका सोल्यूशन बन सके। आप देख सकते हैं इसमें पानी अपने आप फिलअप हो रहा होगा। ये इसलिए होता है ताकि नेक्स्ट रिजनरेशन के लिए सोल्यूशन बना रहे। तो हम जब भी इसमें नमक डालते हैं तो फर्स्ट टाइम ही हमको इसमें नमक डालना पड़ता है, बाकी मशीन अपने आप इसमें पानी नमक डालने के बाद हमको फर्स्ट टाइम इसमें पानी छोड़ना पड़ता है, बाकी मशीन तो अपने आप ही पानी छोड़ती है हर रिजनरेशन के बाद, ताकि वो सोल्यूशन बना रहे। सर इसके अंदर में नमक डालना है 20 किलो करीबन और पानी डालना है। एक बार अपने को सिर्फ पानी डालना पड़ता है, उसमें नमक में जितना घुल जाए। तो इस तरीके से हमारा एक एंट ऑटो शॉपनर पूरा इंस्टॉल हो चुका है, बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने बताया है और पीसीबी किट की भी जानकारी दी, सेटिंग्स की जानकारी दी, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। कभी भी कोई फ्यूचर में आपको कोई काम की ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए